बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बहुत पुराना कुआं था। यह कुआं कोई साधारण कुआं नहीं था, इसका पानी जादुई था। अरे भाई, हम कितनी किस्मत वाले हैं। थोड़ा सा बीमार हो जाओ, कुएं के पानी से स्नान कर लो और फिर सब कुछ ठीक। हाँ हरिया, तुम ठीक कहते हो, इसीलिए तो हम सब बीमार नहीं रहते और दवाई भी नहीं लेनी पड़ती। धीरे धीरे समय बीतता गया, कुआं भी बहुत बूढ़ा हो गया। अब उसके पानी से कोई ठीक भी नहीं होता था, इसलिए लोगों ने उस कुएं के पास जाना छोड़ दिया। कुआं बहुत उदास रहने लगा। हमारे परीलोक में सूखा पड़ गया है, क्या तुम हमारे परीलोक के लिए अपना पानी दोगे? हाँ हाँ ले जाओ, वैसे भी अब मेरे पास पानी लेने कोई नहीं आता। परी के जादू से कुएं का पानी ऊपर परीलोक में जाने लगा। अब हमारी जरूरत भर का पानी पहुंच चुका है, लेकिन इस पानी के बदले मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी। मेरे पास तो कोई भी नहीं आता, फिर मुझे वरदान देने से क्या लाभ होगा? यह वरदान तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम लोगों पर उपकार करते हो। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम फिर से जवान हो जाओगे, तुम्हारा पानी पहले जैसा हो जाएगा। ये कहकर परी अपने लोक को चली गई। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।